नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक GST से ही रिलेटेड है। आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि GST लागू होने के बाद क्या क्या चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और क्या क्या चीज़ें महंगी हो जाएंगी। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि GST 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है, तो आप लोगों को यह जानना बेहद ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी GST के बारे में जान सकें और हमारे चैनल टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि GST लागू होने के बाद पूरे भारत में सिर्फ एक टैक्स GST लगेगा। दोस्तों GST रेट्स को 4 टैक्स स्लैब में बांटा गया है, 5%, 12%, 18% और 28%। GST लागू होने से जहां बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, वहीं बहुत सारी चीज़ें महंगी भी हो जाएंगी। वैसे कुल मिला जुला कर शुरू के 2-3 महीने सबको दिक्कत होने वाली है, बट इसका लॉन्ग टाइम बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यहां हम आपको कुछ वस्तुएं बता रहे हैं जो सस्ती हो गई हैं। इंसुलिन और उससे बनने वाले प्रोडक्ट पर GST पहले 12% लगता था, अब घटकर यह 5% हो गया है। स्कूल बैग्स पर GST 28% से घटकर 18% हो गया है। एक्सरसाइज बुक्स पर 18% से घटकर 12% हो गया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सस्ती हो जाएंगी, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, अगरबत्ती, काजू, डेंटल वैक्स, प्लास्टिक, टर्पोलिन, कलरिंग बुक्स, ट्रैक्टर कंपोनेंट्स, टिकट्स, मूवी टिकट्स, दाल इत्यादि। और आप लोगों को बता दें कि सरकार ने गेहूं, चावल, अनाज, आटा, मैदा, बेसन, गुड़, दूध, दही, लस्सी, खुला पनीर, अंडा, मीट मछली, शहद, ताज़ा फल और सब्जियां, प्रसाद के सामान, नमक, सेंधा नमक, बिंदी, चूड़ियां, सभी प्रकार के गर्भनिरोधक गोलियां, सुनने की मशीन इत्यादि पर 0% टैक्स स्लैब रखा है। तो कुल मिला जुला कर सरकार ने डेली यूज होने वाले सामानों और किसानों का खासा ख्याल रखा है। अब हम जो चीज़ें बता रहे हैं वो चीज़ें GST लगने के बाद महंगी हो गई हैं। दोस्तों GST लागू होने के बाद सबसे ज़्यादा जो सेस लगेगा वो पान मसाला और गुटखा पर लगेगा। यह करीब 204% है, यानी पान मसाला और गुटखा के शौकीनों के लिए यह बुरी खबर हो सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे मोबाइल, मोबाइल बिल, बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुछ कारें, बैंकिंग सेवाएं, इंश्योरेंस और मेकअप के सामान इत्यादि महंगे हो जाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को GST के से जुड़ी कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों GST से जुड़ी कुछ पिछली वीडियो हमने बनाई है, उसको आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखिए। हमने अपने डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ के लिंक दे दिए हैं।